वहीं अब उत्तराखंड में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे संक्रमण के मामलों ने सरकार की चिंताओं को बढ़ा दिया है। चिंता इस बात की है कि किस तरह से राज्य सरकार प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी कर सकेगी। इसके लिए विधायक से लेकर मंत्री तक सभी अपने संबंधों का इस्तेमाल कर अन्य राज्यों से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाने की जुगत में जुट गए हैं। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, रायपुर से विधायक उमेश शर्मा काऊ के सहयोग से 500 ऑक्सीजन सिलेंडर गुजरात से उन्होंने मंगवाए हैं, जिसमें से 250 सिलेंडर रविवार को देहरादून पहुंच चुके हैं। बाकी अन्य 250 सिलेंडर अगले 2 दिन में देहरादून पहुंच जाएंगे। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि इस समय राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि राज्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए। इसके लिए अपने अपने स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। इसके लिए रायपुर विधायक की मदद से गुजरात से 500 सिलेंडर मंगाए गए हैं, जिनका एडवांस भुगतान भी कर दिया गया है। फिलहाल देहरादून पहुंच चुके 250 ऑक्सीजन सिलेंडर में से 100 ऑक्सीजन सिलेंडर सहसपुर स्थित निजी अस्पताल में भेज दिए गए हैं। इस निजी अस्पताल को भी COVID-19 केयर सेंटर में तब्दील किया गया है, जिसमें 100 बेड उपलब्ध कराए गए हैं। हमने पौड़ी जनपद, रुद्रप्रयाग और देहरादून जनपद के लिए हमने मंगाए थे। लगभग 500 सिलेंडर का हमने ऑर्डर कर रखा है, जिसपे पहले खेप 250 सिलेंडर की आई है। और ये सिलेंडर हम पौड़ी जिले में गुरदार बेस हॉस्पिटल, पौड़ी हॉस्पिटल, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, रुद्रप्रयाग जनपद, देहरादून में सहसपुर, सभी जगह 250 सिलेंडर हम उपलब्ध करा रहे हैं। और 250 सिलेंडर हमारे और अभी आ रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि इससे लगभग काफ़ी रात हमारे प्रदेश के अंदर काफ़ी लोगों को मदद, मैं सोचता हूँ हम प्लांट जैसे कुड़दार में ऑक्सीजन प्लांट भी हमारा शुरू हो गया है, तो अब हम कह सकते हैं कि इससे जो ऑक्सीजन की कमी जैसी महसूस हो रही थी, एक हाहाकार जैसा मचा था कि ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो अब हम दूर दराज के क्षेत्र में रुद्रप्रयाग जैसे जनपद में भी 200 लोगों को हर समय ऑक्सीजन देने की स्थिति में है। तो इस तरह मैं सोचता हूँ, क्योंकि इस महामारी में जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि ऑक्सीजन गिर रहा है, और ऑक्सीजन गिरते ही अगर उसको समय। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।